स्टाफ रूम की तो हालत बदल के गया। सेक्शन इनको तो पता चलेगा, उन्हें तो हमारा भी माफ खा जाना। छोड़ो यार, जो भी है, क्लास टीचर को तो अपना रिजल्ट बनाना होता है। हमें चार चार बंडल मिलते हैं, वो भी चेक करने के लिए, उसको भी एक दिन होता है। अगले दिन अवार्ड लिस्ट पहुंचानी ही होगी, अगर ना पहुंचाई क्लास टीचर दिमागी खाएगा। ओ ये क्या? ओ नो, कोई तो ये बंडल उठा के ले गया है। अब क्या होगा, ये तो बहुत मुश्किल हो गई। ये कौन करके गया? सेक्शन हेड को पता चलेगा, वो क्या कहेंगे? उन्हें तो सीधा यही कहना है कि तुमने यही छुपाए हैं। अब जो कुछ करना होगा वो मुझे ही करना होगा, ये तो मेरी नौकरी 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 का सवाल है। कुछ करना ही पड़ेगा। सीआईडी को बुलाते हैं, शायद वो जल्द से जल्द मसला हल कर दे। पर नो यार, सीआईडी का नंबर ही नहीं है, अब क्या होगा? हाँ, बिलाल के पास हर खतरे का नंबर होता है, शायद उसके पास सीआईडी का भी नंबर हो। हाँ, क्या हाल है यार? मैं एक शदीद परेशानी में, मुझे सीआईडी का नंबर चाहिए। छोड़ यार, तू बाद में, मैं तुझे सारी स्टोरी सुना दूंगा। 2 मिनट मुझे पेन तो ढूंढने दे। यार एक पेन तो छोड़ के जो भी। हाँ बोल। 03-45-111-0002। ठीक है यार, मैं बाद में मसला बता दूंगा। सीआईडी का तो नंबर मिल गया, पर वैसी भी सीआईडी तो बहुत फजूल सवालात करती रहती है। कुछ करना होगा, सीआईडी को कॉल ही करते हैं, क्योंकि नौकरी का सवाल जो है। जी सीआईडी जी, मैं एपीएस सिनार से बोल रहा हूँ, टीचर हूँ मिडिल सेक्शन का। क्या पा सकते हैं? ओके सर, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। जल्दी आई, शायद इतनी जल्दी से हल नहीं, मसला भी हल कर। नहीं भाई, नहीं, क्यों हमने खुद रखी हो? ये कौन सी वारदात? ये वारदात हो चुकी है, कोई बच्चों के फाइनल पेपर उठा के ले गया। इतना खास क्या था उन पेपरों में? उनमें ये खास था कि बच्चों की पूरी साल की मेहनत थी उसमें। अब आप कह रहे कि भूल गए होंगे? नहीं, मुझे अच्छे तरीके से याद है, मैंने उस बच्चे से याद ही रखवाने के लिए कहा था। अच्छा कोई नहीं, मुझे जल्दी से बोलो। शेर जल्दी और सीआईडी ऑफिसर के कुछ सवाल के जवाब दो। जी सर, मैं हाजिर हूँ, कोई काम है आपको? लड़के बताओ, अपने पेपर कहाँ छुपाए? सर मैं देखकर दूर हूँ, मैंने पेपर कहीं गायब नहीं किए, बल्कि इसी जगह पे रखे थे। सर ये देखिए, जीत के निशानात हैं। निशानात केचप?
ये बताई था कैचअप हमारे मैथ की है। ये कैचअप कहाँ से आया? ये कैचअप चेडी ले बाटू में चेक हो गया। सचिन, ये कैचअप डॉक्टर सानू के को चेक करो। सचिन ये जूतों की नजर रात किस तरफ जा रहे? सर ये वॉशरूम की तरफ जा रहे। ढूंढो ढूंढो ये वॉशरूम में। विजीत दया। यस सर। जाकर ढूंढो इस वॉशरूम में, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा यहाँ पे। कोना कोना चाल मारो। सर ये रहा रिपोर्ट, ये साबित हो चुका है ये बात जाकर के अच्छे हमारे मैच की है। सर वो टिश्यू डॉक्टर के पास एक और मार्कर मिला है। अगर सर ये दो रैपर टॉयलेट के कोने से मिले हैं। सर मुझे दो गोलियां मिली हैं। गोलियां? ये तो नसवार की। वॉशरूम में लड़की का बच्चा कर दो। नहीं वक्त जरूर कम हो पर मैं ऐसा नहीं करता, एक वक्त पे एक ही काम करता हूँ। कमाल है, ये सब कुछ तो एक ही टीचर का हो सकता है, हमसे बड़ी क्लास को पढ़ाता है। क्या मतलब शेप तुम्हारा? कौन है वो टीचर? आपके पास उसका नंबर है? जी सर है। उसे कॉल करो, नॉर्मल बात करो, बुला लिया। जी सर क्या हाल है? ठीक सर, वैसे ही बोर हो रहा था तो आप सोचा आपसे कॉल कर ले। नहीं सर, स्टाफ रूम में पेपर चेक कर रहा था तो आप आ रहे हैं सर। सर है सर, मैं आपके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करवाता हूँ। ओके सर। ये तीन जल्दी से खराब करते हैं, कुछ कुछ कर तुम लोग बैठो, ये जो इसको शक ना हो, ये भी चाहते हैं बैठ के चेक करो, इसको शक नहीं हो। चुप जाओ, चल जाओ। ओ यार नहीं, कहीं शक तो नहीं हो गया? एक्सक्यूज मी सर, मुझे जरूर काम याद आ गया। करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मैं तुझे मारी लेकर दिलवाड़ा जाता था। क्यों? क्योंकि ये हर साल पर वक्त देकर पेपर चेक करके अवार्डी टीचर को दे देते हैं और मैं और फ्री हो जाती हूँ और हमेशा लेट हो जाता। निजीत इसको ले जाओ, सीढ़ी के हवा में जरा हवा लगा। सर आपने तो मुझे चाय पानी के लिए बुलाया, मगर ये क्या? जब जब सीढ़ी में चाय कोड़े समोसे सब